यार लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। विट्रो नेचुरल्स, इंडियाज ओनली इकोसर्च सर्टिफाइड 100% ऑर्गेनिक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक्स। विट्रो नेचुरल्स, ड्रिंक टू योर हेल्थ। देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम एग्रोनॉमिक्स में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बायोडीजल के बारे में। डीजल की बढ़ती मांग से जहां महंगाई आसमान छू रही है, तो दूसरी तरफ तेल के घटते स्रोतों ने विश्व को दूसरे विकल्प के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने काफी शोध के बाद ऐसे पौधे का निजात किया जिससे डीजल बनाया जा सकता है, ताकि डीजल पर बढ़ती निर्भरता को कम किया जा सके और पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण को भी कम किया जा सके। डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार हमेशा यही दलील देती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन आज हम आपको ऐसा पौधा दिखाएंगे जो न सिर्फ फल देता है बल्कि डीजल भी देता है। यानी इस पौधे से निकलने वाले तेल से आप अपनी गाड़ी और जनरेटर जैसे मशीनों को भी आसानी से चला सकते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये पौधे जेट्रोपा क्यूकर्स के हैं, जिसे रतनजोत भी कहते हैं। उदयपुर से कुछ ही दूरी पर बने एक फार्म में करीबन 50 एकड़ जमीन पर फैले इन पौधों को देखकर शायद आप सोच में पड़ जाए कि हर कोई जहां अपनी जमीन पर महंगे बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाहता है, वैसे में भला इन पौधों की क्या कीमत। पर शायद ऐसा नहीं है। तभी तो बिना किसी सरकारी मदद के डॉक्टर बीएल चौधरी ने इतना बड़ा फार्म अपने बलबूते पर खड़ा किया है। ये एक्चुअली यहाँ पर ये हमारा रिसर्च का सेकंड स्टेप है जो एक एकड़ का है, और इसमें हमारे रिसर्च प्लांट लगे हुए हैं। और ये जो नर्सरी का जो एरिया है, यहाँ पर 3.5 लाख प्लांट हमने 5 साल पुराने प्लांट तैयार किए हैं। और टोटल हमने किया है इसमें इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे किया है, जैसे हल्द्वानी, शिलोंग, साउथ के अंदर किया हुआ है। और यहाँ मैंने इसका कंट्रोल रखा हुआ है, जिसका मेरा बड़ा रिसर्च में अभी तक जो टोटल हमने करीब 40 एकड़ में यहाँ कर रखा है अलग अलग लोकेशन पे। और यहाँ जिस स्थान पे आप खड़े हैं, यहाँ हमने करीब 20 एकड़ में हमारा पूरा ये रिसर्च वर्क है जो हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। उसके नतीजे लगभग 2014 में पूर्ण रूप से नतीजे, और उसके एग्रो टेक्नोलॉजी हम पूरी पूरी मतलब हम विकसित कर लेंगे और हम फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। 11 सालों से जेट्रोपा के पौधों पर रिसर्च कर रहे डॉक्टर चौधरी ने कई हैरान कर देने वाले खोज किए, जिसके चलते उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि कई दूसरे देशों ने अपने यहाँ जेट्रोपा की खेती विकसित करने के लिए बुलाया है। कई सम्मान पा चुके डॉक्टर चौधरी ने जेट्रोपा के पौधों के फायदे को समझा, और आज के समय में वो इसके बीजों से बायोडीजल तैयार करते हैं और इसके सैम्पलिंग विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। जब रतन ज्योति या जेट्रोपा से जो निकला गया तेल, उस तेल से उसका एस्टरीफिकेशन करके, उस एस्टरीफिकेशन के द्वारा इससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। बायोडीजल बनाने के बाद में जो वेस्ट बचता है वो ग्लिसिन, जो काफी उपयोगी है, लिक्विड सोप या तरल साबुन बहुत ही उपयोगी है,
और जो बायोडीजल बनता है उस बायोडीजल के द्वारा जो व्हीकल्स जो फोर व्हीलर्स जो जिनमें यूज किया जाता है उसके अंदर एवरेज गाड़ी का एवरेज अच्छा होता है। इसके अलावा जो एनवायरमेंट पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अंदर सल्फर की मात्रा जीरो होती है, पोल्यूशन नहीं के बराबर होता है और इंजन इमिशन जो यानी कि उसकी इंजन की कैपेसिटी भी बढ़ती है और एवरेज बढ़ता है। बायोडीजल के रूप में इस्तेमाल होने वाले जेट्रोपा के बीजों के फायदे को देखकर भारत सरकार ने देश भर के 9 राज्यों के साथ प्रदेश के 6 जिलों में रतन जोत के पौधों पर पायलट प्रोजेक्ट का काम शुरू किया और आज के समय में बायोडीजल के कई प्लांट्स भी लगाए गए हैं। उदयपुर से वरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़े हैं नारायण सिंह जी, पूर्व डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर सीड डिपार्टमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका नारायण सिंह जी। नारायण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पूर्व डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर सीड डिपार्टमेंट के नारायण सिंह जी, इनसे चर्चा करना चाहेंगे जिस तरह से जेट्रोपा इस पौधे का ये नया इन्वेंशन देखने को मिला है। डॉक्टर बीएल चौधरी बताए जाते हैं जिन्होंने इस पौधे के बारे में ये खोज की है और किस तरह से इसे बायोडीजल बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो डीजल की मांग लगातार बढ़ रही है, हालांकि डीजल की कमी है, मौजूदा स्थितियों को देखा जाए तो महंगाई भी लगातार बढ़ रही है और मौजूदा अर्थव्यवस्था को देखते हुए भी हमारी निर्भरता जो है इस समय बायोडीजल पर ज्यादा बढ़ती है। ऐसे में बायोडीजल का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है और बायोडीजल बनाने के लिए इस पौधे की जो है ये खोज की गई है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो ये हमारा विषय है। जेट्रोपा इस पौधे का नाम बताया जाता है और डॉक्टर बीएल चौधरी जिन्होंने इसका आविष्कार किया है, जिन्होंने इसके बारे में ये खोज की है, वो इसे विदेशों में भी यानी कि देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके सैंपल्स भेजते हैं और इसकी एक्सपोर्टिंग की जाती है। तो चलिए चर्चा भी हम करेंगे पर जेट्रोपा से होने वाले फायदे को देखते हुए बता दें हम, सरकार भी अब बायोडीजल को बढ़ावा दे रही है। कम पानी के खपत के चलते राजस्थान जेट्रोपा की जलवायु के लिए पूरी तरह से अनुकूल है और इसके चलते प्रदेश के 6 जिलों को जेट्रोपा के उत्पादन के लिए भी चुना गया है। डीजल की बढ़ती मांग और उसके अनुपात में मांगे पूरी करने में तेल क्षेत्र की असमर्थता ने जहां महंगाई को बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं ने मानव जाति को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर डीजल पर निर्भरता को कम नहीं किया गया तो आने वाले दशकों में नतीजा और भी बुरा हो सकता है। इस डीजल से बिल्कुल जस्ट एक विकल्प है उस डीजल का, तो इसमें यह फर्क है कि इस डीजल को उगाया जाता है और उसको जमीन से निकाला जाता है, उसकी एक लिमिट है बल्कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस डीजल के द्वारा एनवायरमेंट क्लीन रहता है और आम आदमी की जो इकोनॉमी वो बढ़ती है और ग्रीनरी बढ़ती है और इसके इस डीजल के द्वारा वो सारी मशीनरी रन की जा सकती है जो अपने नॉर्मल डीजल से किया जा सकता है। साल 2003 में भारत सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन के अध्ययन के लिए कार्यदल का गठन किया, जिसके बाद इस कार्यदल ने साल 2004 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 5 पेड़ों को चुना गया जिनके बीजों में तेल की मात्रा अधिक है, जिसमें जेट्रोपा क्यूकर्स यानी रतन जोत को प्राथमिकता दी गई। बाकी पेड़ों के मुकाबले जेट्रोपा में 35 से 40% तक तेल होता है। इसकी खासियत ये भी है कि अगर सही मौसम में उगाया जाए तो ये महज 6 दिनों में अंकुरित हो जाता है और एक बार लगाने पर 40 सालों तक उत्पादन होता है। जेट्रोपा को बंजर और व्यर्थ पड़ी जमीन पर उगाया जा सकता है, जिससे किसान अपनी उपजाऊ जमीन पर दूसरी फसलों को उगा सकते हैं। जेट्रोपा को बिना पानी के या कम पानी में ही उगाया जा सकता है, साथ ही रतन जोत के पौधों से पहले साल में ही बीज मिलने लगते हैं।
चार साल तक जेट्रोपा को उगाने के बाद इसके एक पेड़ से तकरीबन 4 किलो बीज निकलता है। जेट्रोपा सूखे के समय में 2 साल तक जिंदा रह सकता है और फिर पानी बरसने पर लहलहा उठता है। डीजल निकालने के बाद जो बीज और फल का अवशेष बच जाता है उससे खाद बनती है। जेट्रोपा में विषैला पदार्थ होता है जिसके चलते इसमें कीड़ा नहीं लगता, साथ ही इससे निकलने वाला सफेद पदार्थ घाव भरने में कारगर है। जेट्रोपा से होने वाले फायदों को देखते हुए सरकार विशेष कदम उठा रही है और देश के दूसरे राज्यों में भी जेट्रोपा के पौधों को लगाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बायोडीजल का उत्पादन हो सके और तेल की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके। उदयपुर से वरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस खास पौधे के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नारायण सिंह जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर सीड डिपार्टमेंट के। नारायण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नारायण सिंह जी, जिस तरह से मौजूदा स्थितियां फिलहाल हम देखें, इस पौधे के बारे में भी जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगी, पर फिलहाल मौजूदा स्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल की कमी है, डीजल की पूर्ति नहीं हो पा रही है, बायो डीजल की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो इसको किस तरह का एक साधन देखते हैं, किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है? देखिए किटवेन, ये निश्चित रूप से हमें जो प्राकृतिक गैस है उससे अलग होकर के और उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। यानी हम पेड़ से अगर मान लीजिए डीजल निकाल सकते हैं, पेड़ के ऑयल को हम काम में ले सकते हैं। आजकल तो ये जेट्रोफा, जिसको अपन रतनजोत कहते हैं, दंत भी कहा जाता है इसको संस्कृत में, ये इतना प्रचलित हो रहा है। ये हालांकि कोई अपने यहां पर कोई नया पौधा नहीं है, आपके उदयपुर मेवाड़ में ये खेत की बाउंड्रीज के ऊपर, खेत के सीमाओं के ऊपर लगा हुआ बहुत पहले से दिखता था। लेकिन अब इसके बारे में हमें यह जानकारी मिली है कि यह केवल घाव भरने का केवल लेक्टिन नहीं है, लेक्टेक्स नहीं है, इससे तो बायोडीजल बनाया जा सकता है। यहां तक कि बाहर के देशों में जेट प्लेन भी इससे उड़ा करके टेस्ट किए जा चुके हैं। यानी बोइंग 737 तक को इन्होंने उड़ा लिया है। तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि भविष्य इस तेल से, इस पौधे के प्रति उज्जवल है। ये तो बहुत ही खास बात आपने बताई है नारायण सिंह जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाहर के देशों में यानी कि विदेशों में जेट प्लेन तक भी जो है आप बता रहे हैं कि उड़ाए जा चुके हैं और इस तरह से परीक्षण किया जा चुका है, यानी कि काफी सफल ये तकनीक मानी जा सकती है जिस तरह से बायोडीजल की हम यहां पर बात कर रहे हैं और किस तरह से एक विकल्प के तौर पर उसे लिया जा सकता है। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी किस तरह से इसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है, यानी कि ये जो पौधा है जेट्रोपा जिसके बारे में नई खोज की गई है कि इससे बायोडीजल बनाया जा सकता है, किस क्या तकनीक रहेगी इसको बनाने में? देखिए ये बहुत ही सरल किस्म का पौधा है, ये कहीं भी अनुपजाऊ जमीन में भी लग जाता है। लेकिन जैसा कृषि के से संबंधित बात है कि अगर ऐसी अनुपजाऊ में इनको लगाएंगे तो उत्पादन निश्चित रूप से कम होगा। अगर इसको पूरे प्लांटेशन के हिसाब से यानी पूरे खेत में लगा करके अपन डीजल के लिए ही आगे बढ़े तो इसमें 25 से 35% तक तेल होता है और उस तेल में 80% तक बायोडीजल बनाया जा सकता है। जी सीधा सा एक तरीका है कि इसके तेल को, ये लगभग 400 से 500 लीटर तेल एक हेक्टर में पैदा दे देता है अगर इसकी अच्छी फसल ली जाए। यानी 400 का मतलब हो गया 350 लीटर के आसपास में आपको बायोडीजल मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो डीएस्टिफिकेशन जो पद्धति है जिसमें इसमें से ग्लिसरीन को अलग करके, ग्लिसरीन नीचे जम जाती है और सीधा आपका डीजल जो है वो ऊपर तैर जाता है, यानी बायोफ्यूल जो है वो ऊपर तैर जाता है। तो इस प्रकार से इसको बहुत आसानी से, लेकिन हम लोग साधारणतः इसको थोड़ा सा इसमें बात को समझ नहीं पाते हैं। ये दो तरह के पौधे हैं, ये दो क्या कई तरह के हैं, लेकिन मैं दो तरह के आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट के रूप मेरे हाथ में जो आपको पौधा दिख रहा है ये केवल पुष्प के लिए है, ये वो डीजल पौधा नहीं है जी। ये भी जेट्रोफा ही है, लेकिन हमें जो चाहिए डीजल के लिए वो होता है जेट्रोफा कर्कस। ये मेरे हाथ में अब जेट्रोफा कर्कस है जी। इस पर
साल भर में ही बल्कि 9 महीने में ही इसमें फ्लावरिंग पुष्प आने लग जाते हैं और ये ऐसे गुच्छे आपके फलों के लगने लगते हैं और साल भर के बाद ही ये उत्पादन देने लगता है और अच्छा खासा 400 से 500 क्विंटल तक ये उत्पादन दे देता है। तो ऐसी हालत में हमें इस पौधे को निश्चित रूप से खेतों में लगाना चाहिए, केवल ये मेड़ पर लगाने के लिए। अब इसको मेड़ पे इसलिए लगाते थे कि कोई जानवर खेत में घुसता, इसमें हरा देख करके अपने मुंह में लिया और उसके बाद में वो लैक्टस के कारण से कड़वा लगता था और वो उसको छोड़ के भाग जाता था, वापिस मतलब एक बंधन सा हो जाता। लेकिन हमें इसका ये सही जो काम है ये करना है, इसको लेकर के और डिस्ट्रिक्टाइजेशन। नारायण सिंह जी, यहाँ पर एक बात ये भी उठती है जी, विषैला पौधा इसे कहा जाता है, कीड़े नहीं लगते, चलिए ये तो अच्छी बात है, पर साथ ही साथ कुछ प्रकृतिविद जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसके बारे में भी जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों इस तरह का विरोध हो रहा है। बाहर अगर विदेशों में देखा जाए, अमेरिका जैसी कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, तो वहां क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, इसके बारे में भी जरूर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होंगे। मजबूर औरत मेरी मां लगती है। ओह जीसस, अगर तुमने मेरी लाइफ में कोई मर्द लिखा है तो वो औरत की इज्जत करने वाला होना चाहिए। मरने के खौफ से कोई जीना छोड़ देता है क्या? प्यार भरी एक खूबसूरत कहानी, देखिए फिल्म लव 28 सितंबर शनिवार दोपहर 3 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। राजाओं का शौर्य, रजवाड़ों की शान, साहस की गौरवमयी गाथा। जी राजस्थान प्लस, मेरी शान, मेरा अभिमान। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। साधारण वॉशिंग पाउडर से जब आप हो जाते हैं हताश, तो आपको चाहिए कोई खास वॉशिंग पाउडर, झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान, मेरा अभिमान। जम के खाओ, खूब पचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। महीने भर का राशन, ये लो महीने भर का विम, 100 नींबू की शक्ति वाला विम, अब एक वाटरप्रूफ टब में, बार पानी से बचे, महीना भर चले। नया विम मंथली टब। अच्छी वाली चाय हो जाए मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय, इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। नई सुविधा, नई नीतियाँ, लाई सबको सुलभ चिकित्सा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1,00,000 रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धनवंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21,00,000 से अधिक लोगों को और 6,00,000 से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान के नया नया।
प्रदेश की हर खबर चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके, मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8 बजे, जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर क्या है? इस अनोखे तोते के सर पर डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान, पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छट्टी। ओ फेसबुक किंग, मेरे फोन पे फेसबुक ऑन कर। इसके लिए तो इंटरनेट प्लान लगेगा। ओ हाँ, तो फिर ले लेते हैं, चल आइडिया शोरूम। आगे आइडिया शोरूम बस। अरे 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए इंटरनेट प्लान्स, वैस टॉक टाइम ऑफर्स, सब कुछ। सनी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं करना। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एग्रोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं जट्रोपा यानी कि ऐसे पौधे के बारे में जो आपको डीजल दे सकता है। यहाँ हम बात बायोडीजल की कर रहे हैं और किस तरह से एक विकल्प के रूप में ये उभर कर सामने आया है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ नारायण सिंह जी बने हुए हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर सीड डिपार्टमेंट के। ज्यादा जानकारी हम इनसे ले रहे हैं। नारायण जी, जिस तरह से खासियतें तो हैं काफी इस पौधे की, आप भी बता रहे थे ब्रेक से पहले, पर जिस तरह से मैंने ये बात कही कि अमेरिका में इसका काफी विरोध देखा जा रहा है, यूरोप नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए वहां पर नहीं लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पहले सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ये निश्चित रूप से जहरीला पौधा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इसके अगर मेरे हाथ में अगर आप देखें तो ये इसके बीज हैं, ये बीज बिल्कुल अरंडी की तरह के होते हैं और इनको छील करके बच्चे खा जाते हैं जी। या आपके पालतू जानवर इसका हरा पौधा देख करके और इसको खाने के लिए मुंह मार देता है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी ये ज्यादा पेट में चला गया तो जहरीला होने के कारण से दस्तें शुरू हो जाएंगी। अगर कोई आदमी भी इसको खा ले, बच्चे खा लेते हैं ये चार बीज, अगर एक छोटा बच्चा 5 साल से छोटा बच्चा इसके चार बीज भी खा ले तो परेशान हो जाएगा वो, दस्तें लग जाएगी उसको। और उसके बाद में अगर 6-7 बीज खा गया तो निश्चित रूप से मान करके चलो कि मौत सामने खड़ी है। तो इस कारण से केवल अमेरिका में ही नहीं, हमारे यहां भी इसका काफी कुछ विरोध हुआ था जी। लेकिन बाहर के कंट्रीज में, बाहर के देशों में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि ऐसी कई चीजें हैं, बिजली का भी जिस दिन आविष्कार हुआ था किसी ने हाथ लगाया करंट आया मर गया जी, लेकिन आज हम बिजली के ऊपर कितने निर्भर हो गए। तो सावधानियां जरूरी है। इसमें इसका जो फल है अंदर से, इस बीज को जब छील करके और खाए तो मीठा मीठा लगता है, बच्चे इस लालच में इसके 3-4 वो खा जाते हैं, जानवर भी इसका बीज हाथ में लगा वो खा जाता है और उसके बाद में उसके डायरिया की प्रॉब्लम होकर के और वो संभल नहीं पाता, तो इसका विरोध जी। बीज भी आप दिखा रहे हैं जिस तरह से, हालांकि बता रहे हैं कि विषैला जरूर है पौधा, खतरनाक हो सकता है, पर सावधानियां बरतने की साथ में जरूरत है। किस तरह से उगाया जा सकता है इस पौधे को, कुछ खास जिस तरह से आप कह रहे हैं कुछ खास इंतजाम करने पड़ते हैं? देखिए, इसके उगाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं करने पड़ते, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसका बीज तो 6-7 दिन में उग जाता है अगर आप जमीन में सीधा बो दें जी। लेकिन उससे उत्पादन मिलने में थोड़ा सा विलंब होता है। इसका और अच्छा तरीका अब ढूंढ लिया गया कि इसकी कलम तैयार की जाए और कलम आप मई जून में तैयार करो और जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद में इसकी कलम की चुबाई कर दो, यानी उसको बुआई कर दो। कलम का पौधा जो है वो जल्दी पैदावार देगा, ज्यादा पैदावार देगा और निश्चित रूप से हमें एक लाभ और होगा। हमारे यहाँ एक पौधा लग गया
हमें कलम तैयार करने के लिए उसी की कहनियां काम में लेनी है। दूसरी चीज यह कि हमें पता है कि हमारे इसमें क्योंकि ये रतनजोत जो है यानी जेट्रोफा कर्कस एक विशेष प्रजाति है ये जी। इसकी हर किस्म में आपको उतना ही डीजल या उतना ही तेल मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। इसका तेल का वेरिएशन होता रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास में एक अच्छी किस्म हाथ लग जाती है और आप उसको अपने यहां संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उसी की कलम से अपने पौधे बढ़ाइए। जल्दी बढ़ते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं और कोई खतरा नहीं रहता। एक खासियत इसकी ये भी है नारायण जी, तैयार कीजिए और कलम। खासियत इसकी ये भी है बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कि बंजर और व्यर्थ पड़ी जमीन पर भी ये पौधा उगाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है एक बार अगर पौधा लगाया जाए तो 40 साल तक यानी सालों सालों तक जो है आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। जी हाँ, इसका औसत इसका जो जीवन है वो 40-45 बता रहे हैं, ये 50-50 साल तक 60-60 साल तक भी चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें ध्यान रखने की है वो ये है कि इस पौधे को ये बंजर जमीन में होगा जरूर, लगाया जा सकता है कहीं भी, पथरीली जमीन में भी लगाया जा सकता है, लेकिन एक तेल उत्पादन के लिए जहां हम बायोडीजल की बात करते हैं वो एक ऐसा विकल्प है कि हमें उसमें इसका पूरा ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसको अच्छे खेत में लगाएंगे तो पैदावार निश्चित रूप से ज्यादा होगी और वहां पानी भी ये बिल्कुल पानी नहीं मांगता, 2 साल तक ये सूखा सहन कर सकता है। लेकिन पौधा है, ये जीव है, इसके पूरे तन में 80% पानी होता है, तो इसलिए पानी जहां अपने उपलब्ध हो और हम कॉमर्शियल उसके लिए यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इसको तैयार करते हैं तो मैं किसानों से निवेदन करूंगा कि वो अपने बाहर के जो ऊसर खेत है या ऊसर जगह है या बाउंड्री वॉल है या डोड़ा है उसमें तो लगाएं, लेकिन खेत में भी लगाएं और कम से कम 5 फीट से 5 फीट की दूरी पर लगाएं जी। इनको बहुत गहरा लगाने की जरूरत नहीं है, 5 फीट 5 फीट का यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 4-4.5 हजार पौधे लगाने हैं और यही आपको पूरा उत्पादन देने के लिए सक्षम है। आमतौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे आमतौर पर कहाँ इस पौधे की पैदावार पाई जाती है? जी आमतौर पर इस पौधे की पैदावार राजस्थान में तो आपके मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है और अब इसको सवाईमाधोपुर जिले में इधर कर लिया गया, मध्य प्रदेश में ये बहुत अच्छी तरह से होता है। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ये किसी भी बाहर के देशों में भी कम से कम 20 देशों के नाम गिनाए जा सकते हैं जिनमें ये अच्छी तरह से हो रहा है और कुछ देश तो इसका उत्पादन इसे व्यापारिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं जी। बिल्कुल नारायण सिंह जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश में तो जिस तरह से ये खोज है नई मानी जा रही है पर विदेशों में पहले से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि एक बेहतर विकल्प के रूप में इस पौधे को माना जा रहा है जिसके जरिए बायोडीजल बनाया जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नारायण सिंह जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी जानकारी हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए। आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। झलक वॉशिंग पाउडर SSP में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम SSP। जम के खाओ, खूब पचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए, आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। अच्छी वाली चाय हो जाए मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय, मैं राजस्थान, मैं राजस्थान, मैं के पत्थर, मैं राजस्थान।
कल्याण के रत्तर नया राजस्थान। हाँ मान और सम्मान है बढ़ता जाति जाति और वर्ग वर्ग, पिछड़ों के उत्थान से समता भांति भांति के नारी नर। प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आम आदमी के सामाजिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की दिशा राज्य के कमजोर वर्ग की ओर मोड़ते हुए किए कई संवेदनशील प्रयास। माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भरण पोषण अधिनियम 2010 लागू करने के साथ ही 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, विशेष योग्यजन एवं विधवाओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 7